मेडिका सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कोल्चिकम ऑटोमेनल। ठीक है, तो ये इसका प्लांट है, आप देख सकते हैं। कोल्चिकम ऑटोमेनल जो है, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स आते हैं, ये ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स जो है वो ऑटम के दौरान आते हैं, इसीलिए इसका नाम कोल्चिकम ऑटोमेनल है। अब कोल्चिकम जो है, इसका प्रूवर कौन है? स्टाफ मेडोसेफ्रोन इसका कॉमन नेम और लिलियसी फैमिली की मेडिसिन है। ये प्लांट जनरली यूरोप में पाया जाता है और इसके जो फ्रेश बल्ब है, इससे मदर टिंचर बनाया जाता है। कोल्चिकम जो है, इसके जो अपन ने देखा ही था कि इसके जो ब्लूम्स आते हैं वो कब आते हैं? ऑटम के दौरान, इसीलिए इसका नाम कोल्चिकम ऑटमनल पड़ा। इसके सारे सिम्टम जो है वो भी ऑटम के दौरान एग्रावेट होते हैं, और साथ में ये बहुत यूज़फुल रेमेडी है ऑटमन डिसेंट्री के लिए। इसके अलावा ये इट इज़ यूज एल्सो इंडिस्पेंसिबल रेमेडी। ठीक है, बहुत आवश्यक रेमेडी है। किसके लिए? गाउट एंड रोमेटिज़म के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। किसके लिए? गाउट एंड रोमेटिज़म के लिए। डॉक्टर ह्यूजेस ने ये कहा है कि ये जो मेडिसिन होती है, इसकी कैसी एक्शन होती है? डायूरेटिक एक्शन होती है, यानी कि ये डायूरेटिक क्या कराते हैं? वाटर, यूरिन का लॉस कराते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भी इसी तरीके की एक्शन होती है, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एलिमिनेट करेगा, इसीलिए गाउट और रोमेटिज़म कंडीशन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। गाउट क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो ये उस दौरान भी कोल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये इन एक्सप्लेन किया है, इट्स यूज़फुल इन केसेस ऑफ गाउट, गाउट के केसेस में बहुत यूज़फुल है। एलोपैथिक स्कूल भी इसका यूज़ कर रही थी उस टाइम, उस दौरान, और एब्यूज़ बहुत ज़्यादा इसका एब्यूज़ गलत तरीके से यूज़ किया गया। किसके लिए? गाउटी कंडीशन के लिए, सर टाइलर ने कहा। अब इसके क्लिनिकल्स देखें, ये कोलेरा, कफ, कोलिक, क्रेम्प, डायरिया, ड्रॉप्सी, डिसेंट्री, गाउट, इन सब कंडीशन, नोजिया, रोमेटिज़म, वोमिटिंग, सब फीवर, सब में काम में आती है। स्फेयर ऑफ एक्शन, तो कोल्चिकम का मार्क्ड एक्शन रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हार्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या कराएगी? ये डिसेंट्री कराएगी, डायरिया कराएगी। इसके अलावा हार्ट पे काम करती है, रोमेटिज़म, पेरिकार्डियम। ठीक है, और किडनी एंड जॉइंट में क्या होगा? किडनी में गाउट, ठीक है, और जॉइंट में भी गाउट हो गया, रोमेटिज़म। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को क्या करती है? इरीटेट करती है, और वहाँ पर नोज़िया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट प्रोड्यूस करेगी। कोलिक, कोलिक की पेन प्रोड्यूस करती है, डायरिया और पेनफुल क्रैम्प्स, मरोड़ आती है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोड्यूस करती है इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, साथ ही स्लफिंग, यानी कि वो जो लेयर्स होती है वो छिलने लगती है, हटने लगती है, रीड आउट द लेयर्स, जो हटने लगती है, विच अल्टीमेटली पास आउट ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन इन स्टूल विद द ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड म्यूकस के साथ जो इंटेस्टाइन में ये जो लेयर्स हट रही है, ये जो लेयर्स आने लगती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की, वहाँ से हट हट के। और उसके बाद इट ऑल्सो प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट विथ सेंसिटिवनेस टू टच, जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है और जॉइंट सेंसिटिव हो जाते हैं टच के प्रति। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें ल्यूकोफ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसका मतलब क्या होता है? पेशेंट जो होता है वो काम, फ्लेबी, एथेटिक, स्लो टू एक्ट, मतलब कि ये एकदम शांत सा रहता है, एक्शन इसकी स्लो रहती है, और एथेटिक कंडीशन रहता है, उदासीन टाइप का रहता है, और फ्लेबी रहता है, एकदम सॉफ्ट फ्लेबी टाइप का रहता है। ये जो पर्सन है रोबस्ट होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, और ओल्ड पीपल की डिसीजेस में ये जनरली रहती है। टेम्परामेंट की बात करें तो इसमें इरिटेबल, मेलेंकोनिक, ठीक है, चिड़चिड़ा और में उदासीन रहती है, चिड़चिड़ापन और उदासी। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट, मेयाजम इसका सोरा है। और डायथेसिस की बात करें तो इसमें रोमेटिक और गाउटी डायथेसिस, यानी रोमेटिज्म और गाउट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे रोमेटिज्म क्या होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपुरेटिव इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो होती है, जो कि उसे रोमेटिज्म कहते हैं। ये जैसे कि किस किस को अफेक्ट करती है? जॉइंट को, हार्ट को, ठीक है, रोमेटिक फीवर पूरी बॉडी में होता है, तो इस तरीके से रोमेटिज्म होगा। और गाउट यानी यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है, उसमें यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कुछ इफेक्ट आया, अफेक्ट हो जाता है प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसका मियाज़म कौन सा है? इन्फ्लामेशन देख रहे हैं अपन, तो सोरा मियाज़म से अपन रिलेट कर सकते हैं, और डायथेसिस इसमें रोमेटिंग एंड गाउटी। यहाँ पे ये जो मेडिसिन है, गाइडिंग सिम्टम तो नोज़िया, वोमिटिंग, फेंटनेस, ठीक है, नोज़िया हो रहा है, वोमिटिंग और फेंटनेस, बेहोशी हो जाती है, किसके द्वारा? स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, जब ये स्मेल आती है ना सर भोजन पकने की,
तो इस दौरान इसको नोजिया वोमिटिंग और बेहोशी हो जाती है। फेंटनेस आर्सनिक जो है वो सहन नहीं कर पाता, कैन नॉट बियर द स्मेल ऑफ साइट ऑफ फूड, से उसे देख भी नहीं सक पाता और ना ही उसे सहन कर पाता उसकी स्मेल को। इस तरीके से जो सीपिया है वो भी उसको भी नोजिया होता है साइट ऑफ फूड, फूड को देखने भर से। बट जो कोल्चिकम होता है उसमें एक्यूट पेनफुल कंडीशन आ जाती है स्मेल ऑफ कुकिंग एग्स हो गए, फिश मीट, इनकी वजह से। एब्डोमन जो है इसका कैसा रहता है, डिस्टेंटेड, बहुत ज़्यादा गैस से भरा रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। डिसेंट्री ऑटम में होती है और स्टूल में क्या रहेगा, इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग्स आएगी, जैसे कि हम देख चुके थे इंटेस्टाइन की जो लेयर्स है वो आने लगती है, उसके साथ साथ म्यूकस आएगा। ठीक है, स्टडी पार्टिकल्स इन लार्ज क्वान्टिटी, बहुत सारे जो पार्टिकल्स वो भी आएंगे, स्टडी पार्टिकल्स यानी कि जो लेयर्स हट के आ रही है वो आने लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा नोज़िया भी होगा। गाउट की बात करें तो बहुत सेंसिटिव होता है, इसके जॉइंट होते हैं सेंसिटिव होते हैं टच के प्रति और मोशन के प्रति। पेशेंट जो है वो स्क्रीम विथ पेन, पेन की वजह से बिलखता है, टच नहीं करने देगा, और इसका जो टो होता है इसमें स्टबिंग, कोई स्टब हो गया कहीं से टकरा वकरा गया तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसमें पेन होगा। इसके अलावा कोल्चिकम की जो डिसेंट्री है, रोमेटिज़म है, वो बहुत पेनफुल होती है, पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, आर्सेनिक को भी नोज़िया वोमिटिंग हो रहा था लेकिन वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं था जितना कि कोल्चिकम में। इसके अलावा यूरिन जो हैगा इनकी यूरिन आएगा, इनके जैसा यूरिन आएगा, और टिंगलिंग होगी इसमें, झुनझुनी होगी। ठीक है, ये इसका कोल्चिकम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फिंगर नेल्स में टिंगलिंग होना। इसके अलावा एग्रावेशन किससे होता है, मोशन से, जैसा कि ब्रायोनिया में भी मोशन से एग्रावेशन है। एक्सटर्नल इम्प्रेशन जैसे कि लाइट, नॉइस, स्ट्रॉन्ग ऑडर, कॉन्टेक्ट, बेड मैनर, इन सबके प्रति भी बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव है। मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ एंड हिज सफरिंग सिम टू बी इंटॉलरेबल, मतलब कि इसकी तकलीफों को आसानी बना देता है, सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक्सटर्नल जैसे लाइट के प्रति, नॉइस आवाज़ों के प्रति, ऑडर्स के प्रति बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिवनेस रहती है, तो ये नक्सोमिका में भी रहता है। और एलिमेंट्स यानी काजेज ऑफ डिसीज इसका क्या है, ग्रीफ एंड मिसडीज ऑफ ऑडर, वेटिंग, चेक, प्रेस्पिरेशन, पसीने को सप्रेस कर दिया, भीग गया, या ग्रीफ दुख आ गया। ठीक है, दूसरों की वजह से, दूसरों को कोई कुछ तकलीफ पहुँचा रहा है उसकी वजह से, तो ये सब जो दुख आ रहा है इससे होता है। पर्टिकुलर्स की बात करें तो GIT, यहाँ पे सलाइवा का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, प्रोफ्यूस सिक्रीशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा स्मेल ऑफ फूड जो है उसकी वजह से नोज़िया, फेंटनेस, वोमिटिंग हो जाती है। वोमिटिंग में क्या आएगा, इसको म्यूकस की होगी, बाइल और फ्लूड आएगा। इसके अलावा इसमें बर्निंग होगी, आइसी कोल्डनेस ऑफ स्टोमक, टच करेंगे ना बहुत ज़्यादा बर्फ जैसा ठंडा स्टोमक रहेगा, और इसको वेरियस थिंग्स की क्रेविंग रहती है। एब्डोमन जो है वो गैस से भरा रहेगा और डिस्टेंटेड रहेगा, और साथ में ऐसा लगेगा जैसे ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। डिसेंट्री, कोलेरा, गेस्ट्राल्जिया यानी गैस्ट्रिक पेन होता है नर्व की वजह से। ऑटमन डिसेंट्री में भी बहुत अच्छा काम करती है। डिसेंट्री की बात करें तो ऑटम में होगी, मतलब इसका कॉजिशन क्या है, ऑटमन डिसेंट्री है, भीग जाने से, चेक, प्रेस्पिरेशन, पसीने को सप्रेस करने से नाइट में। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल क्या है, स्टूल इसका वेरी ऑफेंसिव फ्लैटस, मतलब गैस जो पास कर रहा है वो भी ऑफेंसिव है, स्टूल भी ऑफेंसिव है। फ्रीक्वेंट स्टूल, बार बार स्टूल पास करता रहता है। प्रोफ्यूस एंड अबोर्डेंट क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूल पास करेगा, येलो कलर का स्टूल आएगा, उसके साथ साथ वाइट म्यूकस एंड ब्लड भी हो सकता है स्टूल में। स्टूल कंटेंट स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग्स हो सकती है उसमें, इंटेस्टाइन की जो लेयर्स हट हट छिल रही है वो आ सकती है। इसके अलावा स्टूल समटाइम पासिस विथ वायलेंट इनेसमस, मरोड के साथ पास हो सकता है। कॉन्स्टेंट इनफेक्चुअल एफर्ट टू पास फेसेस, फेसेस को जो पास करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा और उसमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे कि नक्सोमिका को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इनफेक्चुअल अर्जिंग, स्पाजम ऑफ स्फिंक्टर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ स्टूल विद सुडरिंग ओवर द बैक, उसको बैक रीजन में क्या होता है, उसको थरथराहट होती है, कपकपी होती है, और साथ में स्फिंक्टर जो है उसमें क्या हो जाएगा, स्पाजम होता है, मरोड़ होती है, इंटर्न होता है। मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन इसको ऑटम में होता है, डिसेंट्री में, और मेंटल एग्जर्शन से आराम होता है, लाइंग ऑन स्टील, लाइंग स्टील एक जगह सो जाने से। फिर यूरिनरी सिम्टम में इसका कैसा रहेगा, यूरिन जो है वो कैसा, किडनी रीजन में पेन होगा, उसको बहुत ज़्यादा अर्जिंग होगी, यूरिन पास करने की इच्छा होती बार बार, और मोर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, ज़्यादा डिस्चार्ज आएगा। यूरिन जो है कॉपियस एक्सेसिव अमाउंट में रहेगा, ज़्यादा यूरिन पास करेगा। वाटरी डार्क यूरिन पास करता है, टर्बिड एंड इंकी, इंकी यूरिन इसका की फीचर है।
अब इसमें जो टिनेस्मस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर भी क्या हो रहा है, मरोड हो रही है, यूरेथ्रा में बर्निंग होती है, यूरिन जो है वो सुअर स्मेल वाला होता है और एसिडिक नेचर का होता है। स्केंटी यूरिन विद ऑफेंसिव स्मेल में ऑल्सो भी फाउंड, मतलब कि एक तरफ तो बोला है कि गोपियस यूरिन पास करता है, उसके अलावा यहाँ पर कभी कभी स्केंटी यूरिन भी हो सकता है जो कि ऑफेंसिव स्मेल के साथ होगा कम मात्रा में, और डिकम्पोज ब्लड भी हो सकता है यहाँ पे यूरिन में, मतलब कि ब्लड आएगा जो कि सड़ा हुआ है, और यूरेथ्रा हर्ट्स एज इफ इट्स रॉ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेड और पेनफुल है यूरेथ्रा भी। अब गाउट एंड रोमेटिज्म, तो जो इसको क्यों हो रहा है गाउट रोमेटिज्म, गेटिंग वेट, भीग जाने से, हीट ऑफ समर से, चेक प्रेस्पिरेशन, एग्जर्शन की वजह से। लोकेशन कहाँ पे होती है, तो इसको क्लेविकल, नेक, शोल्डर, आर्म, बेक रीजन में, और जिसकी वजह से हेड का मोशन नहीं करता। नेक रीजन में इसको पेन हो रहा है, क्लेविकल में, शोल्डर्स में, ठीक है, आर्म्स में और बैक में। पेन जो है एल्बो जॉइंट में होता है, फोरआर्म, वेस्ट, ठीक है, कमर में, घुटने, कोहनी में, इसको फोरआर्म में पेन हो रहा है, ठीक है, ये रूमेटिज्म का पेन। इसके अलावा फिंगर जॉइंट में और ग्रेटो में भी होता है पेन जो है। इसमें लेमनेस, यानी कि वो जो हाथ पैर है उनको मोड़ नहीं पाता आर्म्स को, और इसके अलावा पेशेंट जो है वो होल्ड टू द लार्जेस्ट, मतलब कि बड़ी भारी चीज़ों को उठा भी नहीं पाता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन क्या है, तो इसके फ्लाइंग पेन होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, जंप करता रहता है। टियरिंग पेन होता है फाड़ने वाला, उसके अलावा पटेला, टीबिया, काफ मसल, इन सब में स्वेलिंग हो जाएगी। टिंगलिंग पेन होगा टोस में, ठीक है, झुंझुनाहट आती है और उसको टोस में, उसके जो अंगूठे उसमें, और पेशेंट जो है विलकता रहता है, अगर उसे कोई टच करेगा तो वो एकदम तड़पेगा उस पेन के दर्द के मारे, बहुत पेनफुल होता है इसका। स्ट्राइकिंग फीचर इज ऑफ द पेन क्या है इसका, कि ये कहाँ पे होता है, मूव करता है फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में मूव करता है, एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करता है। इसके अलावा बिलो अपवर्ड और अबाउट डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करता है, विद और विदाउट स्वेलिंग, स्वेलिंग हो भी सकती है नहीं भी हो। तो इस तरीके का इसका फीचर है कि ये एक तरफ से, एक साइड से दूसरे साइड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और साइड टू साइड। कनकोमिटेंट की बात करें तो इसके साथ क्या क्या होता है रोमेटिज्म गाउट के साथ, इसको नोजिया, फेंटनेस ऑफ एट स्मेल ऑफ फूड, कुकिंग फूड की वजह से इसको बेहोशी हो जाती है, नोजिया होने लगता है, और इंकी यूरिन पास करता है, पेल यूरिन। ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन, साथ में इसको एब्डोमन जो है गैस से भरा रहता है और ऐसा लगता है कि ब्रस्ट हो जाएगा। उसके अलावा हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, पेरिकार्डियम भी इन्वॉल्व होता है इसका रोमेटिज्म में, ठीक है, हैंड फीट एब्डोमन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इनमें ड्रॉपसी यानी कि जो एकुमुलेशन ऑफ फ्लूड हो गया है उसे बोलते हैं डीमा एक तरीके से। और मोडालिटीज़ की बात करें तो मोशन है, ग्रेविशन है इसको, ब्रायोनिया जैसा समर वेदर में और आटम में, ठीक है, टच के प्रति, टच से ग्रेविशन है, और बेटर किससे होता है, लाइंग डाउन से, सोने से। जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो इसको कोल्ड डेम्प वेदर से ग्रेविशन है, मोशन से ग्रेविशन है, ऑटम में ग्रेविशन होता है स्मेल ऑफ फूड से, और एम्बुलेशन की बात करें तो वार्म्थ एंड लाइंग डाउन, लाइंग डाउन से आराम है। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं ब्रायोनिया से, ठीक है, वॉमिटिंग में पेशेंट जो है परफेक्टली स्टिल, द डिपोजिशन ऑफ वॉमिट इज लेस अर्जेंट, अर्ली मोशन रिन्यू, तो इस तरीके का ब्रायोनिया में होता है। और इसको एंटीडोट कर सकते हैं बेलाडोना, कैम्फोर, जो कैम्फोरा है, बेलाडोना है, इनसे एंटीडोट कर सकते हैं, और इट एंटीडोट, तो चाको एंटीडोट ये करता है। तो इस तरीके से हम कोल्चिकम आटमेनल देखें, जो कि आटम, डिसेंट्री, रोमेटिज्म गाउट और इन सब कंडीशन में बहुत यूज़फुल है। इनकी यूरिन इसका है, और रोमेटिज्म जॉइंट में, हार्ट में, ये सब जगह पाया जाता है, और इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग हो जाती है, फिंडनेस, कुकिंग कोल की फूड की स्मेल से, ठीक है, फिंगर नेल्स में बहुत ज़्यादा इसको झुनझुनी होती है, और ये सब कंडीशन इसमें होती है।